फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जे बी स्टडी पॉइंट में। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछे गए एमए और एमएससी के जीके क्वेश्चन के आंसर की को मैं लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा देश भारत से सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो इसमें बांग्लादेश करेक्ट ऑप्शन होगा। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत से सीमा साझा करता है, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपाल किस देश से अपना सीमा साझा नहीं करता है? इसका ऑप्शन बांग्लादेश था, तो बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। गंगटोक किसकी राजधानी है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। यह क्वेश्चन कोरोना काल में लागू किया गया जनता कर्फ्यू से पूछा गया है। तो ये आप सभी जानते हैं कि जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? ये भी इजी क्वेश्चन था जीके का। 5 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। दयानंद सरस्वती किस संगठन की स्थापना किए थे? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था सन 1875 ईस्वी में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, ये भी इजी क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस समय आनंदीबेन पटेल हैं। पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप कोवा पंजाब किस लिए है? यह कोरोना वायरस से बचाव के लिए पंजाब सरकार द्वारा कोवा पंजाब नामक ऐप लॉन्च किया गया था। H1N1 वायरस संबंधित है। H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू से संबंधित है। पद्मश्री से सम्मानित भारतीय खिलाड़ी मैरी काम किस खेल से संबंधित है? ये आप सभी जानते ही होंगे, मैरी काम बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन 1, 3, 3, 6, 7, 9, 12, 21। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर 13 है। हम बताते हैं कैसे। देखिए, फर्स्ट ले लीजिए 1 और 3, इसमें कितने गैपिंग है? 2 का। ऐसे ही 3 और 7 में कितने गैपिंग है? 4 का। तो अगला जो गैपिंग रहेगा कितने का रहेगा? 6 का। फिर उसके बाद गैपिंग कितने का रहेगा? 8 का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 में हम 6 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर 13 होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। ये आप सभी काउंट कर लिए होंगे, इसका आंसर 12 आएगा। फाइंड मिसिंग टर्म इन गिवन फिगर। मिसिंग टर्म आपको बताना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखिए, ये फर्स्ट जो 8 है, 8, 27 सब क्यूब है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 27 का क्यूब 3 का क्यूब 27, ऐसे ही 4 का क्यूब होता है 64, 5 का 125, 6 का 216। तो उसी प्रकार 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने सही उत्तर का दोगुना उत्तर गलत करता है, यदि उसने 48 प्रश्न किए हैं तो उसने कुल कितना सही उत्तर किया है? फ्रेंड्स, सपोज करते हैं उसने x आंसर सही दिया है, इसका मतलब 2x रॉन्ग किया होगा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 48 के। तो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको x का वैल्यू 16 मिलेगा। 3x इधर हो जाएगा, ये इधर 48 है, और 3 को डिवाइड कर देंगे 48 से तो 16 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। यदि सीमा किसी लाइन में शुरू से 11वें स्थान पे तथा अंत से 27वें स्थान पर है तो लाइन में कुल कितने लोग खड़े हैं? 36। ये ईजी क्वेश्चन है। 11 और 27 को आप ऐड कर उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सब्जी का नाम IUN M
पी पी के अक्षरों से मिलकर बना है, तो सब्जी के नाम का आखिरी अक्षर होगा, आप सभी जानते हैं, पंपकिन। पंपकिन होगा सब्जी का नाम, तो उसका आखिरी अक्षर एन है। यदि किसी कोड भाषा में जेड को 52, एक्ट को 48 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बैट को लिखा जाएगा, बैट को 46 लिखा जाएगा। यह कैसे हुआ, देखिए जेड जेड किस स्थान पर आता है, 26, तो उसका 2 टाइम्स हम करेंगे तो 52 होगा। वैसे ही ए कितने स्थान पर आता है, फर्स्ट पर, तो ए सी टी ये इसका 2 हो जाएगा, और सी सी का कितने तीसरे स्थान पे आता है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। वैसे टी 20 पे आता है, तो 20 का 2 टाइम्स करेंगे तो 40, तो ये कितना आया, सबको ऐड कर लीजिए, 42 और 6 को, तो 48 हो जाएगा। उसी प्रकार आप बैट का निकालेंगे तो 46 आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।